हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर डाइवर्सिटी प्रिजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी प्रिजुडाइज का मतलब कि किसी भी पर्सन या किसी भी ग्रुप के बारे में आपकी कोई राय आपका कोई ओपिनियन देना डिस्क्रिमिनेशन लोगों को अलग करना उनमें भेदभाव करना इनिक्वेलिटी बराबर का समान अधिकार ना देना आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इवल ऑफ बायस एंड डिसकमिनेशन डीपली डिपेंड ऑन बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी इन ऑर्डर टू कम्पलीटली गेट रिड ऑफ प्रिड्यूजाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन वी मस्ट डील विद द प्रिवेलिंग बिलीव्स और आइडियोलॉजीज एंड सोशल स्ट्रक्चर आपको पता है कि बायस होना यानी कि एक तरफा राय देनी किसी के साथ भेदभाव करना ये सब किस पे डिपेंड करता है ये एक इंसान की अपनी खुद की सोच हो सकती है या तो पूरे समुदाय की सोच होती है ठीक है और ये क्या है एक ईवल है एक बैड चीज़ है बुरी बात है ये तो इस चीज़ को हमेशा के लिए मिटाने के लिए किसको एक प्रिजुडाइज यानी कि किसी चीज़ के बारे में अपनी कोई राय रखना भेदभाव करना इन सब को मिटाने के लिए हमें जितनी भी हमारी जो भी हमारे थॉट्स हैं हमारी जो सोसाइटी है उसको बदलना होगा उनके बिलीफ को चेंज करना होगा ठीक है आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिजुडाइज के बारे में इसका मतलब क्या होता है प्रिजुडाइट्स आर एटीट्यूड और ओपिनियन अबाउट अ पर्सन और ग्रुप सिंपली बिकॉज द पर्सन बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक रिलीजन रेस नेशनैलिटी और अनदर ग्रुप प्रिजुडाइज इन वॉल्व स्ट्रॉन्ग फीलिंगल्ट टू चेंज प्रिजोडाइज इज प्रीजिंग अ पर्सन हु से आई डोंट वॉन्ट लिविंग इन माई नेबरहुड इज एक्सप्रेसिंग अ प्रिजुडाइज यहां पर प्रिजुडाइज का मतलब क्या कहा है कि किसी का एटीट्यूड किसी का ओपिनियन जो किसी इंसान या किसी ग्रुप ऑफ़ पीपल की तरफ तब होता है जब वो इंसान या ग्रुप ऑफ़ पीपल क्या हो किसी अलग रिलीजन के हो या किसी अलग जाति के हो ठीक है कोई उनकी नेशनैलिटी किसी अलग देश के हो या कोई अलग भी ग्रुप हो उसकी तरफ जो उसकी फीलिंग होती है ऐसी फीलिंग जिसे चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मतलब वो उसके बारे में पहले से ही अपनी जो राय है वो बना चुका है और उसे बदलना नहीं चाहता एक पर्सन जो ये कहे कि मैं इस इलाके में नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते हैं तो ये जो फीलिंग होती है इसे क्या कहते हैं प्रिजुराइज कहते हैं आगे बारी आती है डिस्क्रिमिनेशन की यानी कि भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेशन में मीन पुटिंग अदर पीपल डाउन नॉट टेक पार्ट इन रीजनेबल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टिंग देयर एसेस टू वर्क और फ्रीडम टू लिव इन सर्टेन नेबरहुड्स और something they are entitled to by right and law. डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ लोगों को अपने से नीचा रखना उन्हें किसी एक्टिविटी चीज़ों में पार्ट नहीं लेने देना ठीक है उनको इतनी फ्रीडम नहीं देनी कि वो आपके आजू बाजू भी रह सकें यानी कि आपके साथ बैठ सकें और जो उनका अधिकार भी है अकॉर्डिंग टू द लॉ लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है ये सब किस में आता है डिस्क्रिमिनेशन में आता है द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फाउंटेन हेड फॉर ऑल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड इज एज फॉलोज अब यहाँ पे बताया है कि जो हमारे संविधान है इंडिया का जो सभी नियमों और रूल्स और रेगुलेशन से बना हुआ है वो क्या कहता है इट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रैक्टिस पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ़ द हिस्टोरिकली डिसवानज ग्रुप ऑफ द दॉपुलेशन वो कहता है कि जो लोग ऐसे लोग या ऐसी पॉपुलेशन है जिनको पहले से ही बहुत ही कम एडवांटेज मिले हुए हैं जिनसे भेदभाव किया गया है उनकी तरफ हमें अपना पॉजिटिव बिहेवियर रखना है दूसरा इट गिव्स इक्वल राइट्स टू बोथ वुमेन एंड मैन एंड डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये सबको जितने भी मानव अधिकार हैं सबको बराबर देता है चाहे वो मैन हो या वुमेन हो वो उन्हें उनके धर्म उनकी जाति उनके रेस यानी कि जो शकल होती है उस पर भी कोई भेदभाव उनको नहीं करवाते हैं कैटेगरीज़ फॉर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको ये प्रोटेक्टिव दिया गया है अधिकार एक तो वुमेन चिल्ड्रन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें ओ बी सी कहा जाता है और जितने भी माइनॉरिटीज़ वाली क्लासेज हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं इन सबको ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दिया हुआ है कॉज ऑफ राइज ऑफ प्रिडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन अब ये जो चीजें हैं ये जो भेदभाव है ये किसकी वजह से हुए और कैसे हुए हैं प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द टू मेन ईवल अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ़ एनी नेशन इन द पास्ट दीज कंट्री नाउ वी नीड टू नो द काजेज विच एनकरेज द राइज ऑफ प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्यू ऑफ द कॉजिज आर एज फॉलोज Many a time differences between the minorities and majorities may cause rise in the origin of prejudice and discrimination Apathy towards the general social forces ignorance etc may cause rise to prejudice and discriminations Discriminatory treatment of others like slavery different immigration laws restriction for backward classes to enter temples to take water from the public wells अपार्ट हीट सोसाइट सोशल बैकवर्ड फ्रॉम स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो लीड टू प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो दो चीज़ें हैं एक तो प्रिजुडाइज और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये पहले के ज़माने से ही चीज़ें चलती आ रही हैं लेकिन अभी भी इनको राइस क्या चीज़ें देती हैं एक तो होता है कि हमने पहले से ही अपने दिमाग में ये भेदभाव बना रखा है कि हम उच्च जाति के हैं और कुछ नीचे जाति के हैं छोटी जाति के हैं ठीक है दूसरा होता है कि उनको अपनी सोसाइटी में नहीं बैठने देना ठीक है उन लोगों को इग्नोर करना उनकी स्लेवरी उनसे काम करवाना जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं उनको मंदिरों में नहीं आने देना उनको पब्लिक वाटर से पानी भी नहीं लेने देना स्कूल्स में हॉस्पिटल्स में उनकी एंट्री भी नहीं होने देना अगर उनको लाओ तो दूर बिठाओ नीचे बिठाओ ये सब चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं इन सब चीज़ों पे कि क्या है ये भेदभाव करना उनसे उनको नीचे जाति का समझना उनसे कोई भी चीज़ लेनी नहीं ठीक है रिलीजियस डाइवर्सिटी रिलीजियस के जो आइडियाज़ होते हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं ठीक है दिस इज़ नॉट टू स्पीक ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स बिकॉज सो ऑफन देर आर मैनी सेक्ट्स इन द सेम रिलीजन हम किसी अलग रिलीजन की भी बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में एक ही धर्म में ही इतनी सारी सेक्ट्स बनाए गए हैं इतने सारे लोग बताए गए हैं तो उनमें भी ये चीजें क्या होती हैं आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो की जाती है जैसे कि हमने सुना है किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है And के बीच में उन दोनों में आपस में होते हैं शियास और जो सुन्नीस होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं या जो एससी और अपर कास्ट के लोग हैं उनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो, जो भेदभाव की जो भावना है ये चलती रहती है समटाइम्स अवर पेरेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन वैन दे डिस्टिंग बिटवीन अ गर्ल्स चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड कहीं कहीं पर तो ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने बच्चों में ही लड़का और लड़की इन दोनों में ही भेदभाव करते हैं ठीक है तो यही चीज़ें क्या है इन सबको बढ़ावा देती है हमारी कंट्री में अब इसके जो हार्मफुल रिजल्ट क्या हो सकते हैं लोगों में शक की भावना आ सकती है कड़वाहट हो जाती है किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है ऐसी सोसाइटी में ठीक है इससे क्या होता है पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं ठीक है जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो अपना ही अधिकार मान लेते हैं हर जगहों पे, जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको नीचला दिखाना करते हैं स्ट्रेस बढ़ता है स्ट्रेन बढ़ता है जितने भी वर्स इफेक्ट हैं क्या होता है उससे जो लोगों के बीच में जो पीस होती है शांति की भावना होती है वो नहीं रहती है वॉयलेंस बढ़ने लगती है है पूरे नेशन में इससे क्या होता यूनिटी नहीं रहती है कि अगर भी कभी भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी वॉर के टाइम पे तो हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है तो यूनिटी ही नहीं होगी अगर कुछ हुआ तो एज फार क्या होगा हमारी जितनी भी लाइफ है ह्यूमैनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाता है ये एक सुप्योरिटी और इन्फरिटी कॉम्प्लेक्सेस यानि कि कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और कुछ लोगों को अपने ऊपर इससे ही घिन आने लगती है वो अपने आप को बहुत ही निचला समझने लग जाते हैं अब हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इसको कम कर सकें तो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको It is suggested by the scholars that in order to remove prejudice and discrimination from individual and collective life, encouragement should be given to mixed intercast marriages among different races, religions and classes. कि जो बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो discrimination है, इसको भगाने के लिए क्या करना चाहिए? Intercast marriages करवानी चाहिए। क्या कि same cast में marriage नहीं करनी चाहिए, अलग-अलग cast -अलग में <coughs> अलग अलग रेसेस में अलग अलग जातियों में अलग अलग क्लास में क्या करनी चाहिए शादियां करवानी चाहिए ठीक है और फर्दर आपको क्या करना चाहिए रिड्यूस करने के लिए लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल टू रिड्यूस प्रिजुडाइज यानी कि लोगों को भी थोड़ा अधिकार देना चाहिए अपनी बिरादरी में रखना चाहिए उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन उनको देनी चाहिए उनको अपने कल्चर में भी इन्वाइट करना चाहिए ठीक है सबको सपोर्ट करना चाहिए अपनी तरफ से ताकि हम इस पर कुछ कंट्रोल लगा सकें लिटरेचर डिज़ाइन स्पेसिफ़िकली टू डिस्पेल प्रिज यानी कि लोगों के बीच में इतनी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए इतना उन्हें लिटरेट बनाना चाहिए कि हमें जो इसकी प्रमोशन है इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों पे रोक लगानी चाहिए और ख़ुद को भी और दूसरों के आइडियाज़ को भी बदलना चाहिए कि जो भेदभाव की ये भेदभाव की भावना हर किसी के मन में है इसको कम किया जा सके Some scholars state that, कुछ scholars ने तो ये भी कहा है सच नॉन रिलीजियस as राधा स्वामी सत्संग सबका मालिक एक एक निरंकर तू राधा महादेव सत्संग इन सब ने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जो एज कम्पेयर टू रिलीजन के हिसाब से लोगों में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम कर सके ये कह के कि सबका मालिक तो एक है ठीक है

सबको एक साथ जो बनाए रखे प्यार की भावना जैसे कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन है उसने सारे अलग अलग कंट्रीज को एकजुट करके रखा है ठीक है तो हमें इसकी उस जो ये जो उनकी काम है इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे डेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे ह्यूमन राइट डे वमेंस डे तो ये सब भी क्या करते हैं एक तरह से इंकरेजमेंट देते हैं कि वर्ल्ड वाइड इन सब लोगों की भी या लोगों के एक तो ह्यूमन राइट डे मतलब लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनकी भी ये एक डे बनाया जाता है इसके ऊपर ठीक है और वुमेन्स को भी बराबर का अधिकार मिले उसके लिए भी एक डे बनाया जाता है तो ये सब भी एक आ, कदम हो सकता है इस चीज़ को कम करने के लिए नेक्स्ट आपको बताया इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लाइक प्रिजुडाइसिस इनक्वालिटी ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ इन इंडिया एंड लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन सिंपल वर्ल्ड में कहा जाए तो इनक्वालिटी इसका मतलब क्या होता है हर एक को डिफरेंट ट्रीट करना इनक्वालिटी मतलब किसी को भी समान अधिकार ना मिलना पहले के टाइम से हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट के बहुत इशू रहे हैं ठीक है कोई दलित है कोई आदमियों को औरत से अलग कर देता है कुछ ट्राइबल्स को हम अलग कर लेते हैं फार्मर्स में भी बड़ी चीज़ें आती हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें पहले से ही बहुत हमारी इंडियन सोसाइटी में रही है जो हमारी डिग्निटी और हमें इक्वालिटी नहीं देता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनक्वालिटी रेशियल मतलब किसी की रेस कोई गोरा है कोई काला है ये भी हमारी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी रही है ठीक है जैसे कि साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं उनको इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रेशियल इनइलिटी का सामना बहुत करना पड़ा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड वुमेन इनको यानी कि जेंडर में जो इन इनइक्वालिटी है वो भी काफी देखने को मिलती है ठीक है फैमिली में बर्थ ऑफ बॉय बहुत मैटर करता है लेकिन जब एक लड़की पैदा होती है तो उसे बोझ समझा जाता है तो ये भी एक तरह का एटीट्यूड है पेरेंट्स का सोसाइटी की तरफ जो भेदभाव को पैदा करता है अब हमारे फंडामेंटल राइट हैं क्या ठीक है फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं वह हमारे अधिकार जो हमें दिए जाते हैं एक पर्सन को दिए जाते हैं उसके मानवाधिकार जिसे कहा जाता है ठीक है फंडामेंटल राइट गारंटी करता है किसी भी सिविल को सच दैट ऑल इंडियंस कैन लीड देयर लाइफ इन पीस एंड हारमोनी एज सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट right में है कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन्स है वो अपनी ज़िंदगी आराम से हारमनी पीस लविंग नेबरहुड में आराम से गुजार सकता है जैसे कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यही डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में ठीक है इसमें बहुत से पावरहुल प्रोविज़न बताए गए हैं जो फाइट करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस के इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर इन चीज़ों को वायलेट करेगा तो उसको इंडियन पिनल कोड के तहत बहुत सारी जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है ये जितने भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ये सब सिटीजन्स पे अप्लाई करते हैं चाहे वो किसी भी रेस का हो किसी भी रिलीजन कास्ट का हो कोई भी कलर का हो कोई भी जेंडर का हो सबको सेम अधिकार दिए गए हैं कौन कौन से अधिकार हैं ये द राइट टू इक्वालिटी द राइट टू फ्रीडम the right against exploitation, the right to freedom of religion, cultural and educational rights and the right to constitutional remedies. आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया है द राइट टू इक्वालिटी क्या है इक्वालिटी यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वो चाहे जिस भी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पे भी पैदा हो उन सबको सेम इक्वल जो होगा सारे लॉज या सारे जितने भी अधिकार हैं सेम सबको मिलेंगे राइट टू फ्रीडम क्या है राइट टू फ्रीडम में आता है कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं ठीक है चाहे वो पहले से स्लेवरी में हो या ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ है कि सबको अपने एक्सप्रेशन सबको अपना जो आइडिया होता है आइडियोलॉजी होती है ओपिनियन होता है वो रखने का अधिकार है ठीक है हम सबको समान अधिकार लेंगे सबकी बात सुनेंगे ठीक है और सब एक तरह की एसोसिएशन है हम एक सारे क्या है? एक यूनियन है एकता में ही शक्ति बोलते हैं तो हमारे ये जो कंट्री है ये एक यूनियन है हर कोई जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है उसमें फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी पार्ट में सेटल हो सकता है ठीक है और कोई भी प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन यानी कि किसी तरह का भी बिजनेस ले सकता है कोई भी काम कर सकता है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इसका मतलब क्या है अगर कोई भी इंडियन सिटीजन किसी तरह से या कैसे भी एक्सप्लोइट हो रहा है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात जो है वो पुलिस के सामने या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के सामने रख सकता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिलीजन का किसी को भी कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ठीक है ये हमारे एक और सिक्स फंडामेंटल राइट में से एक है जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो कोई भी कल्चर कोई भी एजुकेशनल राइट right ले सकता है ठीक है उसको एजुकेशन का भी अधिकार है या कोई भी अपना कल्चर अपनाने का भी अधिकार है सिक्स है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इसमें क्या दिया है इसमें इंडियन सिटीजन इस, को बताया है कि वो स्टैंड अप कर सकता है अपने अधिकारों के लिए किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के आगे ठीक है मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उसकी कोई काम है जो लोग नहीं मान रहे जैसे कि कोई नीच जाति के लोग हैं मान लीजिए उनके जमीन पर कोई ऐसे ही अधिकार जमा रहा है क्यों क्योंकि वो नीच जाति के लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी अलग से ये चीज़ बनाई गई है कि अगर वो प्रॉपर्टी उनकी है तो उनसे वो कोई चीज़ नहीं छीन सकता तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है यानी कि जितने भी मानवाधिकार हर किसी को दिए गए हैं वो अपने लिए उसके सामने बात रख सकता है किसके सामने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने तो ये थे हमारे छः राइट टू इक्वालिटीज ठीक है ये हमारे क्या हैं ह्यूमन राइट्स हैं तो इन छह के हिसाब से आप जो भी इंडिया का सिटीजन हैं वो अपनी बात रख भी सकता है कह भी सकता है उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है एजुकेशन लेने के भी अधिकार है और वो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं सह सकता है या नहीं सहेगा ठीक है तो ये था आपका चैप्टर अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स Prejudice and discrimination are deeply fixed at both the individual and society levels. Number two, the categories for protective discrimination in our constitutions are for women, children, scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Minorities and the physical handicapped. Number three, discrimination is abolished and its practice in any form is forbidden. Number four, we must prepare ourselves to live and work peacefully. Number five, we must remember that there is no place for prejudice or discrimination in our society.

और नंबर फिफ्थ वी कैन गो टू वर्कशिप इन एनी टेम्पल ये भी है ट्रू थर्ड आपको दिए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर हेल्पफुल टू स्प्रेड तो इसमें आएगा ऑप्शन सी नन ऑफ दिज नंबर टू वन ऑफ द मेन कॉज दैट एनकरेज प्रिजुडाइज एंड डिसक्रिमिनेशन इज तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी अपैथी नंबर थ्री इनक्वालिटी इज एन डैश फॉर सोसाइटी तो इसमें आएगा ऑप्शन ए इविल फोर्थ आपको दिए हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस तो इसके आंसर्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आप वहां से इसको नोट कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना थैंक यू सो मच एंड अ नाइस डे